राहुल गांधी ने अपने दमदार नेताओं से कह दिया है कि वे चुनाव के लिए तैयार हो जाएं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में उन्हें किसी भी सीट से उतारा जा सकता है। इस बार कांग्रेस अपने सारे मजबूत और अनुभवी नेताओं को मैदान में उतारकर भाजपा से सीट छीनने के मूड में है। खबर है कि मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। उन्हें गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ेगा, जो कभी कांग्रेस पार्टी के हिस्सा थे। कांग्रेस की रणनीति सिंधिया को घेरने की है। सिंधिया को लेकर कांग्रेस में खासी नाराजगी है, क्योंकि उन्होंने कमलनाथ सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाते हुए भाजपा का दामन पकड़ लिया था। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछला लोकसभा चुनाव हार गए थे। वे कांग्रेस की ओर से लड़े थे, इसके बाद भाजपा में शामिल हो गए। उनके खिलाफ सशक्त उम्मीदवार खड़ा करने की कांग्रेस की रणनीति है, इसलिए दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़वाने की प्लानिंग की गई है। वैसे भी दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य में कभी नहीं पटी। जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब भी दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उनकी खींचतान के कारण कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। अब दिग्विजय सिंह की उसी खुन्नस का इस्तेमाल कांग्रेस कर सकती है और गुना से उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। वैसे दिग्विजय भी पिछला लोकसभा चुनाव हार गए थे, जो उन्होंने भोपाल से लड़ा था।